अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, जो कि गैसियस मिक्सचर से है। कहा गया है टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस विथ सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू 5/3 आर मिक्स्ड विथ थ्री मोल्स ऑफ अनदर आइडियल गैस विथ सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू 4/3। द वैल्यू ऑफ सीपी बाई सीवी फॉर द मिक्सचर इज, है ना, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले तो हमें ये पता करना होगा कि मिक्सचर का जो सीपी बाई सीवी है वो कैसे निकालते हैं, है ना। पहले हम लोग निकालते हैं सीपी ऑफ मिक्सचर, और अगर सीपी बाई सीवी मिक्सचर निकालना हो, सीपी मिक्सचर का कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं एन वन सी पी वन प्लस एन टू सी पी टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। उसी तरह से सीवी मिक्सचर निकालना हो तो निकालते हैं एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। एन वन जो है गैस वन के नंबर ऑफ मोल्स हैं, और एन टू जो दूसरा गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, है ना। अगर हमें मिक्सचर का सी पी बाई सी वी निकालना हो तो इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, जो कि आता है एन वन सी पी वन प्लस एन टू सी पी टू डिवाइडेड बाई एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू। एन वन प्लस एन टू कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स तो दिए गए हैं, हमें क्या करना है कि सी पी वन सी पी टू सी वी वन सी वी टू ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करना होगा। हमें पता है कि सी पी बाई सी वी, है ना, या गामा जिसको बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, ये होता है वन प्लस टू बाई एफ, जहां पर एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो अगर पहले गैस की बात करें, पहले गैस के लिए गामा का वैल्यू दिया गया है 5/3, है ना। अगर इसको 1 प्लस 2 बाई एफ वन करेंगे तो एफ वन का जो वैल्यू है ये आ गया 3, है ना। एफ वन 3 आ गया तो सी पी वन निकाल सकते हैं। सी पी वन होता है एफ प्लस 2 आर बाई 2। तो एफ वन जो है एक्चुअली में एफ वन रखेंगे यहाँ पर, तो 3 प्लस 2 यानी कि 5R/2। उसी तरह से इस गैस के लिए अगर सी वी निकालना होगा, सी वी वन, तो ये होता है एफ आर बाई टू। पहले वाले गैस के लिए एफ वन आर बाई टू, जो कि 3R/2 आएगा, है ना। उसी तरह से जो दूसरा गैस है, अगर हम उसकी बात करें, जो दूसरा गैस है उसके लिए देखेंगे सी पी बाई सी वी यानी गामा 4/3 दिया गया है यहाँ पर, है ना। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, गामा इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ टू, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से एफ टू का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ से एफ टू का वैल्यू आ जाएगा 6, इसको 6 रखने से आ जाएगा 8/6 यानी कि 4/3, ये गामा हो जाएगा। तो ये एफ टू आ गया। अब F2 आ गया तो मैं CP2 और CV2 निकाल सकता हूँ। CP2 हो जाएगा F प्लस 2 इंटू आर बाई टू, एफ के जगह पर यहाँ पे F2 रखेंगे तो 6 प्लस 2 यानी 8R/2 जो कि आएगा 4R, है ना। उसी तरह से CV2 निकाल सकते हैं। CV2 CV होता है FR/2, इसके लिए F2 रखेंगे। F2 का वैल्यू आया है 6, तो 6R/2 यानी कि 3R। तो अब अपने पास CP1 CV1 पता है, CP2 CV2 पता है, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो मिक्सचर का गामा या CP बाई CV हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, पहले वाले गैस के 3 मोल्स दिए गए हैं, है ना, पहले वाले गैस के 2 मोल्स दिए गए हैं और दूसरे वाले गैस के 3 मोल्स दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाले गैस के लिए 2 मोल्स और दूसरे वाले के लिए 3 मोल्स लिखे गए हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर डेटा यूज करेंगे, है ना। तो एन वन हो गया 2 इंटू सी पी वन, सी पी वन आया है 5R/2 प्लस एन टू है 3 इंटू सी पी टू, सी पी टू देखेंगे यहाँ पर 4R है ना, ये है 4R डिवाइडेड बाई
फिर से एन वन सी वी वन, एन वन है 2 और सी वी वन है 3R/2 प्लस एन टू सी वी टू, एन टू है 3 और सी वी टू जो है वो है 3R, तो यहाँ पर 3R रखेंगे, है ना। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और ये देखेंगे ऊपर आया 17 और नीचे जो है ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 9+3 यानी कि 12 ये आ गया। तो ये जो रेशियो है 17/12 अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 1.42, है ना। तो मिक्सचर का जो CP/CV है वो 1.42 आया जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है ना। अब यहाँ पर एक खास बात ध्यान में रखना है कि कई बार हम लोग फॉर्मूला ये लिख लेते हैं जो कि गलत फॉर्मूला है, उसको यूज नहीं करना है। गामा मिक्सचर का जो फॉर्मूला है N1γ1+N2γ2/N1+N2, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, है ना। अगर ये फॉर्मूला सही होता तो ये वाला फॉर्मूला से और इस फॉर्मूले से सेम रिजल्ट आना चाहिए, ये भी तो गामा मिक्सचर ही बता रहा है ना। तो लेकिन सेम आता नहीं है रिजल्ट, इसलिए ये फॉर्मूला गलत है। अगर मैं सीपी मिक्सचर इसको कहता हूँ, सीवी मिक्सचर इसको कहता हूँ, तो CP/CV तो ये आना चाहिए, है ना। तो ये करेक्ट फॉर्मूला है, ये वाला जो है वो गलत फॉर्मूला है।